टनल देखिए कैसे बनाया है, और इसमें भी लाइटें नहीं है शायद, तो हमें लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी अपनी गाड़ी की। ट्रेन का वेट कश्मीर में, जेल से छूट के निकले हो सारे, और कुछ देर बाद फिर से जेलें बंद कर दी जाएंगे क्योंकि फिर से कोई आर्मी की गाड़ी आएगी और फिर से हमें रोक दिया जाएगा। अच्छा हुआ हम गाड़ी में व्लॉग बनाते हैं, मोटर में बाइक पे नहीं नहीं तो बुरा हाल था हमारा। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम रामबन पहुंचने वाले हैं। लाजवाब भाई साहब, लाजवाब। तो आज हमारा तीसरा दिन है कश्मीर में, तो अभी हम उठे हैं, ये देखिए बैठ के हाल। तो अभी नहाया धोया फ्रेश हुए, अभी सोच रहे थे शंकराचार्य जाने का, पर बारिश बहुत है तो वहाँ थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या रहता है बाहर जाकर, पहले गाड़ी की हालत देखते हैं, गाड़ी अच्छी है कि नहीं। अभी हम बाहर भी नहीं गए, गाड़ी को चेक नहीं किया, तो आपको बाहर दिखाता हूँ, बाहर का व्यू देखिए। तो ये देखिए, ये खोलेंगे हम विंडो और ये देखिए बाहर के नज़ारे, सिर्फ टीन ही टीन है ऊपर भैया, किसी भी छत में लेंटर नहीं, लेंटर दिख रहा है शायद, इस साइड दिखा मुझे, ये वाला घर पे ये। तो गाइस हम सुबह सुबह चाय बना रहे हैं खुद ही, ये हैं सनी भाई, आज इनका जन्मदिन है और ये अपने जन्मदिन पर चाय पिलाते हैं। ये हम बना रहे हैं स्पेशल चाय, ये पड़ेगा आपको 120 रुपए का। देखिए यहाँ भी बोल बाब नहीं छोड़ेंगे कश्मीर आके, हम पंच वाले हैं, हमें थोड़ा कम लगाइए। आप पंच वाले, हम मृति वाले हैं, मृति। तो गाइस चाय बन के रेडी हो चुकी है, अब हम करेंगे इसके साथ नाश्ता, खाएंगे रस वगैरह जो भी पड़ा है यहाँ पे। तो चलिए करते हैं आपसे ढेर सारी बातें रास्ते में, मिलते हैं। बहुत मुशक्कत के बाद हमें ये कहना पड़ रहा है कि हम कश्मीर से जा रहे हैं वापस जम्मू की ओर, जाने का मन तो नहीं था, बहुत बारिशें हो रही हैं, बारिश हो रही है। प्लान था शंकराचार्य जाने का, पर वहां भी पैदल चलना पड़ेगा लगभग 1 किलोमीटर। तो गाइस चलिए मिलते हैं रास्ते में, कैसा सफर रहता है। मुझे लग रहा है आगे जैम होगा, रास्ता बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बारिश बहुत है और रामबन वाली साइड से पत्थर बहुत गिरते हैं। तो चलिए भाई फिलहाल हमें निकालना है मैप, हम निकलते हैं सिटी से बाहर, फिर आपको दिखाते हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं कोई जम्मू के लिए साथी मिल जाता तो कितना मजा आता रास्ते में, अगर साथ नहीं मिल जाती तो और मतलब कोई लड़कियां वड़कियां मिल जाती तो हम कौन सा कुछ, हम तो शरीफ लड़के हैं। तो ये मॉर्निंग में ऐसा दिखता है श्रीनगर, हल्की हल्की फिलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और गाड़ियां जितनी भीड़ शाम को थी अभी तो फिलहाल। तो गाइस ये है वो रोड जहां पर इमरजेंसी प्लेन लैंडिंग हो सकती है, कहीं कुछ इमरजेंसी पड़ गई कश्मीर में। तो ये बहुत चौड़ा रोड है, अभी वीडियो में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा पर लगभग बहुत बड़ा है ये। हेलो, एक मिनट, हेलो जय जाति भाई, हेलो जी जय माता जी। तो गाइस कैसा कट रहा है रास्ता, कुछ पता नहीं चल रहा है अभी, और हमें रोक क्यों रहे हैं बार बार हमें खुद नहीं पता चल रहा। आर्मी वाले मतलब आर्मी की गाड़ियां आ रही हैं तो हमें रोका जा रहा है। ये देखिए कैसे भाग रही है गाड़ी, जैसे अभी अभी जेल से छूट के निकले हो सारे, और कुछ देर बाद फिर से जेलें बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि फिर से कोई आर्मी की गाड़ी आएगी और फिर से हमें रोक दिया जाएगा। शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने खिड़कियां बंद रखी हुई थी। तो ये हमारे आगे आगे हैरियर जा रही है, JK01AK, ये भी श्रीनगर की है। तो देखिए भाग कैसे रही हैं गाड़ियां, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, हमें थोड़ा ब्लोअर चलाना चाहिए ताकि थोड़ा शीशा ठीक हो जाए, और सडन ब्रेक्स ठोक रहे हैं आगे वाले भी और ये राहुल भी। और ये बैट अनंतनाग पहुंच चुके हैं हम, ये देखिए बैट की छत पे टंगे हुए हैं बैट, और ये राहुल गाड़ी जो कि गाड़ी चला रहे हैं। हम अनंतनाग में हैं, पहुंचने वाले हैं अनंतनाग सिटी, नहीं पहुंचे अभी, पहुंचने वाले हैं, और यहाँ सिर्फ बैट ही बैट, और ये देखिए पेड़, इन्हीं पेड़ों के बैट बनते हैं, जो ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, इन्हीं का गला काट के, तो इन्हीं का गला वाला काट के सब कुछ काट के इन्हीं का बनता है सब कुछ। तो गाइस हो रहा ट्रेन का वेट, ये
ये है अनंतनाग और ये जा चुकी है ट्रेन, अब हम जाएंगे वापस गाड़ी में। लुत्फ उठाइए और हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठाइए छोटी छोटी चीजों का। वाओ, ऐसे लग रहा है हम बादल में जाने वाले हैं। टनल देखिए कैसे बना है और इसमें भी लाइटें नहीं है शायद, तो हमें लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी अपनी गाड़ी की। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा पड़ा है सर। तो ये वन वे है, मतलब एक साइड से आएंगे और दूसरी साइड से जाने वाला, तो इसीलिए ओवरटेक ना करें गाइस। जब भी चलें तो अपनी लाइन में चलें, इधर निकल जाएंगे उसमें से। फिलहाल तैयार नहीं है, तो हमें रोड पे जाना पड़ेगा। नहीं सॉरी गाइस, तैयार है सर, वो वाला तैयार नहीं, दूसरा वाला जी, ये वाला तैयार है, हम इसी में से जाएंगे। देखिए ये भी अंधेरे में शामिल है, इसमें भी अंधेरा कायम है। छोटा सा है ये भी, लगभग 300-400 मीटर का होगा। देख पा रहे हैं तो पूरा पहाड़ ही गिर जाता है जब भी लैंडस्लाइडिंग होती है। ये देखिए अभी अभी गिरा हुआ है रास्ता, ये देखिए। अरे बाप, तो गाइस यही बचा था रास्ते में देखने को, बकरियां, वाह 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 वाह, लाजवाब भाई साहब लाजवाब। अरे देखिए ये तो आपको बता दूं, ये ऑटो नहीं है, आगे से बाइक है, बाइक के पीछे लगाया गया है, पंजाब का नंबर लगा है। पंजाब से आए हैं श्रीनगर घूमने, घूमने नहीं शायद, मुझे लगता है कुछ बिजनेस है इनका। भाई साहब क्या बिजनेस है आपका? कुछ भाई साहब, अच्छा हुआ हम गाड़ी में व्लॉग बनाते हैं, मोटर में बाइक पे नहीं नहीं तो बुरा हाल था हमारा। बहुत तेज बारिश हो रही है, हम रामबन पहुंचने वाले हैं और जो मेन पस्सी थी वो हमने लांग चुके हैं। तो देखिए हमारा वाइपर भी कम पड़ रहा है बारिश के लिए, इतनी तेज बारिश हो रही है। और ये बन रहे हैं पराठे हमारे लिए जी, हाँ सर्व हो चुके हैं पराठे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अब इसके साथ आएगी चाय। तो हो चुका हमारा नाश्ता, ये ढाबा था पीछे, यहाँ पे 50-50 रुपए का पराठा, अच्छा था, टेस्टी पराठा था, विद अचार और चाय के साथ खाने को मिला। और अब हम बनिहाल से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मतलब ये जो वेजिटेरियन वाले लोग बहुत कम मिलते हैं इस वाली साइड, वो कहीं छान छून के एक दो मिलते हैं, तो हम वहीं पे बढ़ जाते हैं। तो अभी इसके आगे रोड बहुत खराब रहती है, अभी हमें पता नहीं रोड बंद है कि नहीं, पर जो कि हमारे सूत्रों से पता चला था सुबह सुबह की रोड बंद नहीं है, तो हम इसीलिए निकले हैं। तो अभी आगे देखते हैं, रोड इसके आगे थोड़ी सी खराब है और उसके भी आगे रामबन तक लगभग खराब ही रहती है, तो अगर हम एक बार रामबन टप जाए तो फिर हम अपने एरिए में, जम्मू एरिया में। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में, और भी ज्यादा खूबसूरत इसके आगे जो कि हमने कैप्चर नहीं किया था उस साइड से, इस साइड से करेंगे। जो भी दिखेगा हमें अच्छी खासी वादियां दिखेंगी तो वो जरूर लाएंगे, अच्छा खासा जो भी दिखेगा वो जरूर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बैक कैमरे से। ये है गाइस रामबन सिटी, बिल्कुल रास्ते। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लकड़ी के ब्रिज के ऊपर, ये देखिए बिल्कुल लकड़ी का है, साथ साइड साइड में लोहा लगा है पर ऐसे तो लकड़ी का है। तो ये देखिए आवाज, ये नीचे से पूरा लकड़ी का है और ऊपर से लोहे का,
चलिए गाइस करते हैं व्लॉग द एंड, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं अपने एरिया में। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम उधमपुर क्रॉस कर चुके हैं। अब ये वरली रोड तो आपने बहुत बार देखी होगी क्योंकि साइड से भी आपको दिखाई थी। तो चलिए करते हैं व्लॉग बंद। बंद मतलब हमारी बैटरी भी नहीं है और स्टोरेज भी बहुत कम है फ़ोन में। तो चलिए फ़िलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।